घर दिल से मगर नहीं निकला। घर बसा है हर धड़कन में, क्या करें हम ऐसे दिल काम। मेरी पूरी फैमिली है ये चार उल्लूदे पट्टे, तो लंदन जाना चाहते हैं। उनमें एक लड़की है मन्नू, हमारा जो पहला बच्चा होगा ना, उसका नाम मैं आप पे रखूंगा। आप अपना नाम बताओ बस। वांगी पुरप्पू वेंकट कुप्पू। कोई बात नहीं। सो फाइनली गाइस, आ चुके हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की कॉमेडी ड्रामा मूवी डंकी की पहला टीजर उनके बर्थडे के मौके पर। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे एसआर के। सो चलिए बात करते हैं डंकी के बारे में। सो डंकी बेस्ड होगा एक इलीगल इमिग्रेशन टेक्निक के ऊपर, जिसे डंकी फ्लाइट भी कहा जाता है। और ये टेक्निक यूज किया जाता है जैसे कि लंदन यूके जैसे कंट्री में जाने के लिए। और इस मूवी का स्टोरी बेस्ड है ये रियल कॉन्सेप्ट जर्नी के ऊपर, जिसमें एसआर के अपने चारों दोस्तों को ले जाने वाले हैं लंदन, और वो इलीगली पहुंच भी जाते हैं, जिसमें उनका ये खुशी देखने को मिलती है। और ये खुशी से पहले उन्होंने कितना मेहनत और पापड़ बेले हैं इस सफर को तय करने के लिए, ये सारे भी झलक रही है उनकी शक्ल पे। बट अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उनके लंदन जाने की वजह से। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होगा कि वो घर कैसे जाए। एंड वो प्रमिस करते हैं किसी से इन सारे को सेफली घर पर ले जाए। एंड हो सकता है इस जर्नी में उनके कुछ दोस्त उनसे दूर भी हो जाए, मतलब यार कुछ लोग तो वीरगति को भी प्राप्त हो जाएंगे। पर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यार पता चला है कि विकी कौशल का इस मूवी के अंदर सिर्फ केमियो देखने को मिलेगा। और जिस व्यक्ति का केमियो देखने को मिलेगा उसको टीजर पे ही देखने को मिला, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। मेरे को लगता है वो दुनिया में ना होने की वजह से बुरा और इमोशनली इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी लोगों के ऊपर, जिसमें वो अपने पेशेंस को भी खो देंगे, बिकॉज उनको उसकी फैमिली को जवाब भी जो देना है। सो टीजर देखने के बाद मेरा तो ओपिनियन यही है। और हाँ, टीजर आने से पहले ऑडियंस इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी, और टीजर देखने के बाद कुछ लोग तो डिसअपॉइंटेड भी फील कर रहे हैं, बिकॉज वो मास मसाला जो देखना पसंद करते हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एसआर के जवान और पठान की तरह। पर ये जवान और पठान की तरह मासी तो नहीं है, पर ये मूवी भी उससे कम नहीं होगा, बिकॉज इस मूवी को डायरेक्ट करने द लेजेंड ऑफ डायरेक्टर राजकुमार हिरानी, जिन्होंने ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी इससे पहले दे चुके हैं। उनके ऊपर ट्रस्ट करना तो बनती है, पर आपको क्या लगता है ये जरूर कमेंट करके बताना। और आपको ये टीजर यानी कि ड्रॉप वन को देखकर कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना। सो आज का वीडियो इतना ही, वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर देना, एंड मिलता है कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।